कृपालु जी महाराज की बड़ी बेटी विशाखा त्रिपाठी इस दुनिया में नहीं रही हैं और विशाखा के अचानक से हुए निधन की वजह से जो उनके श्रद्धालु हैं उन्हें बड़ा झटका लगा है। विशाखा की सड़क हादसे में मौत हुई है। वो अपनी दो बहनों के साथ कार में सवार होकर सिंगापुर के लिए रवाना हो रही थी और वो उससे पहले एयरपोर्ट पर जा रही थी, तभी उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मौके पर ही विशाखा ने दम तोड़ दिया, लेकिन उनकी जो दो छोटी बहनें हैं श्यामा और कृष्णा, वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। बता दें आपको कि श्यामा और कृष्णा दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं और अभी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। और अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि श्यामा और जो कृष्णा है वो इस सड़क हादसे में काफ़ी ज़्यादा जख्मी हुई हैं। डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। बता दें आपको रविवार को यमुना एक्सप्रेसवे पर ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट के बाद तुरंत मौके पर ही विशाखा की जान चली गई। कृपालु जी महाराज जो थे वो हमेशा से ही अपने श्रद्धालुओं को बहुत ही उच्च विचार वाली शिक्षा दिया करते थे और अब उनकी बड़ी बेटी का निधन हो गया है। उनके फैंस इस खबर से काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं। बता दें आपको कृपालु जी महाराज का निधन साल 2013 में हुआ था और अब साल 2024 में उनकी बड़ी बेटी विशाखा की भी मौत हो गई है, वही जबकि उनकी दोनों छोटी बहनें अभी अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी जो अभी हालत है वो भी नाजुक बनी हुई है। बता दें आपको कृपालु जी महाराज की बेटियों से काफ़ी खास बॉन्डिंग रही है। यूपी से लेकर अमेरिका तक मंदिरों ट्रस्ट का पूरा साम्राज्य बेटियां ही संभालती हैं। तीन बेटियां, तीन ट्रस्ट की अध्यक्ष है। सबसे बड़ी बेटी का नाम विशाखा त्रिपाठी है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी एक्सप्रेसवे के पास हुए सड़क एक्सीडेंट में मौत हो गई है। दूसरे नंबर पर उनकी बेटी श्यामा त्रिपाठी है और सबसे छोटी कृष्णा त्रिपाठी, और ये दोनों ही बेटियां अभी अस्पताल में भर्ती हैं और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल फिल्मी बीट।